काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हमें पता है तब तो VBA फॉर्मूला यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो या पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल निकालने के लिए कहीं पे जीरो पोटेंशियल लेना होगा और आई होप हमें पता है कि VBA का मतलब क्या होता है, VB माइनस VA, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर इसका मतलब है VB माइनस VA, VB माइनस VA। VA मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल, A से B की तरफ जा रहे हैं, A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का, इसका ऑर्डर याद रखना है A से B, तो इधर VB माइनस VA होता है। अगर थोड़ी बहुत चीजें कहीं पर चेंज हो जाए, मान लो, है ना, क्योंकि कुछ भी इधर उधर चेंज हो सकता है। अगर देखो मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, अगर तुम इसको VA माइनस VB लिखो कि ऐसे याद करने में आसानी है, बाय द वे, है ना, मेन फॉर्मूला तो यही है, मगर अगर VA माइनस VB लिखो तो याद करने में आसानी नहीं होगी। A है तो A यहां पे पहले, B यहां पे बाद में, ऐसे तो आसानी होती है, मगर जब ऐसे लिखो तो ये साइन फिर हटा देना, प्लस, ठीक है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, फिर यहां पे प्लस कर देना A से B E डॉट DL। नहीं तो अगर तुमने माइनस साइन के साथ यूज किया है तो VB माइनस VA होगा। तो फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना। मैंने कई बार बोला ये फॉर्मूला टैटू वाला फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा, मतलब बार बार यूज होगा, एंड यू कैन से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पता है तब तो ये फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल निकाल लेंगे, मगर कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हमें पता नहीं होता, तो वहां पर कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली वहां पर फिर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लेके निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, वॉल्यूम सभी के लिए एक साथ कर देता हूं, क्योंकि अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, वॉल्यूम वाला हो सकता है, एरियल हो सकता है। तो दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक लिटिल बिट कलर इट, दिस इज यू कैन अज्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम वॉल्यूम समथिंग लाइक, चलो बहुत कर दिया कलर, इतना काफी है नाउ। सो तो ये अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो किसी भी तरह का हमें डी क्यू निकालना पड़ता है। अब वो बेसिक तो तुम्हें पता ही है, डी क्यू अगर लीनियर है तो डी एक्स लेंथ लोगे, एरियल है तो एरियल एलिमेंट लोगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट लोगे, वो सब चीज़ें वो सब करोगे, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधे डी क्यू लिखता हूँ, ठीक है। इस स्मॉल पोर्शन की वजह से, ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन वी विल फाइंड पोटेंशियल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी थी ना, तो उसमें तो रिजॉल्व करना पड़ता था, फिर ऐड कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है। पोटेंशियल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, है ना, पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो पोटेंशियल में सीधे ऐड कर दो। तो सिंपल सा मेथड है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, पहले एलिमेंटल पोर्शन का पोटेंशियल निकालेंगे, एलिमेंटल चार्ज का, है ना, P पॉइंट पर। तो एलिमेंटल चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K dQ अपॉन डिस्टेंस r, K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और dQ, और ये डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। उसके बाद P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो लाइन में इंटीग्रेट करेंगे, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एरिया इंटीग्रेशन करेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, मगर तुम्हारे यहां मैक्सिमम एडवांस के क्वेश्चंस में भी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, क्योंकि एरियल और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स हो जाता है, क्योंकि डबल वेरिएबल वाली मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो लीनियर ही आता है मैक्सिमम। तो इसको हमने कर दिया टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए
के डी क्यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे, के डी क्यू ठीक है अपॉन आर। अब आर वेरिएबल होगा क्योंकि हर एक चार्ज अलग अलग होगा, तो वो किस तरह से वेरी करता है वो देख लोगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है ये लिमिट लगाओगे फॉर एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये लिमिट ऐसे लगाओगे कि जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कवर हो जाए, तो यू विल अप्लाई इट फॉर एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके इंटीग्रेशन वगैरह इजी होते हैं, मैं हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट में दे दूं तो वो भी कोई मुश्किल नहीं होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिकल्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो बाकी मेथड वही होगा एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बस बेसिक बता दिया तुमने। तो ऐसे लिमिट लगानी है कि पूरा कवर हो जाए, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाए। तो ये दो मेथड हैं पोटेंशियल निकालने, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्रॉपरली पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं पता है तो इस तरह से कर लो, या किसी क्वेश्चन में दोनों से चेक करना है तो दोनों से भी चेक कर सकते हो, दोनों से एक ही आंसर आएगा बस।